पास है रियलमी की तरफ से आने वाले रियलमी का मॉनिटर जो ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। वैसे रियलमी जो है वो रोबोटिक्स में भी काम करता है, फ्रिज वगैरह या वैक्यूम क्लीनर वगैरह आते हैं, जिन्होंने फाइनली अपना मॉनिटर भी लॉन्च कर दिया है। तो चलिए फिर देखेंगे इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये आता है और क्या इसका डिजाइन लैंग्वेज वगैरह होने वाला है। वैसे मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको ओपन करने के लिए, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलिए फिर इसको हम लोग ओपन करते हैं। और अगर बॉक्स के ऊपर की बात करें तो आपको रियलमी फ्लैट मॉनिटर यहाँ पे लिखा हुआ है जो फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसके अंदर जो 6.5 सेंटीमीटर जो है इसकी डिस्प्ले होने वाली है। और अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि फुल एचडी बेजल लेस इसके अंदर आपको डिजाइन मिलने वाला है। 75 हर्ट्ज का रेफ्रेश रेट इसके अंदर मिलने वाला है। तो ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। और आपको जैसे लिखा हुआ है एक्सपैंड योर विजन, तो देखते हैं कि रियलमी ने क्या एक्सपैंड किया है। चलिए फिर हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं और बॉक्स को ओपन करते हैं हम लोग जल्दी से। तो चलिए फिर बॉक्स के ऊपर की बात कर लेते हैं कि बॉक्स के ऊपर कंटेंट क्या मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमको ये स्टैंड वगैरह मिल जाता है, तो एक और दो, हाँ तो दो स्टैंड मिल जाते हैं। चलिए फिर इसको हम लोग निकाल लेते हैं। एंड स्टैंड की क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और ये आपको मेटल फ्रेम के साथ मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा आपको बेनिफिट मिल जाता है। और अगर दूसरी बात करें तो आपको पावर कॉर्ड वगैरह मिल जाता है और पावर ब्रिक भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो चलिए बात करें और तो हाँ, एक इसमें अच्छी चीज़ आपको इसके अंदर मिल रही है कि आपको इसके अंदर आपको HDMI केबल ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है और अच्छी है, लेंथ वगैरह भी ठीक है। और अगर बात करें गाइड्स वगैरह की तो रैपर तो काफ़ी बड़ा इन लोगों ने दिया है। एंड बात करें तो ओ तो काफ़ी मतलब प्रीमियम पैकेजिंग भी है LN की प्रोवाइड की इन लोगों ने। और ये आपको कुछ टूल्स वगैरह मिल जाते हैं एंड कुछ गाइड वगैरह है। चलिए फिर सब कुछ साइड करते हैं और फाइनली अपने मॉनिटर पे आते हैं। तो ओपन करते हैं इसको, तो चलिए फिर इसको निकाल लेते हैं हम लोग। ओ तो गाइस काफ़ी ज़्यादा ये लाइट वेट मॉनिटर है और बताऊंगा मैं आपको क्या मैं कहना चाह रहा हूँ इसके बारे में। चलिए फिर इसके पहले इसको हम लोग की मेम्ब्रेन को निकाल लेते हैं। तो गाइस अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो देखिए साइड से कितना ज़्यादा ये स्लिम आपको मिल जाता है। और चलिए फिर इसकी हम लोग मेम्ब्रेन को चलिए फिर हम लोग रिमूव कर लेते हैं। और काफ़ी मतलब अच्छी पैकेजिंग इन लोगों ने दी है, तो चलिए फिर इसको हम लोग जल्दी से सेटअप कर लेते हैं। फिर इसके अगर लुक की बात करें तो फर्स्ट लुक में मुझे काफ़ी ज़्यादा ये इंप्रेसिव लगा। इसका जो बेजल्स है आपको काफ़ी कम इसके अंदर बेजल्स आपको मिल जाता है। और नीचे जो चीन है वहाँ पे आपको रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाती है और जो चीन है वो थोड़ा सा मोटा है, बट ठीक है। जो तीनों साइड के बेजल्स हैं वो आपको सिमेट्रिकल इसके अंदर मिल जाते हैं। और अगर स्लिमनेस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ये आपको स्लिम भी मिल जाता है। और अगर बैक साइड भी बात करें तो बैक साइड में आपको नीचे का जो थोड़ा सा पार्ट है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे सारी इनकी एसेसरीज़ वगैरह लगी हैं, तो वो थोड़ा सा आपको बम्प ज़्यादा मिलता है। और अगर स्टैंड की स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ तो स्टेबल है, काफ़ी ठीक है। और अगर आप इसको हिलाए वगैरह तो हिले वगैरह का नहीं, जो उसकी ग्रिप वगैरह है वो एकदम बढ़िया है। और अगर पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो बैक साइड में आपको एक HDMI पोर्ट मिल जाता है और इसमें आपको टाइप सी पोर्ट की इसके अंदर भी मिल रहा है। तो टाइप सी पोर्ट से आप डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं और आप अपने लैपटॉप को टाइप सी पोर्ट के थ्रू ही कनेक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरे पोर्ट की बात करें उसमें आपको VGA पोर्ट भी इसके अंदर दिया हुआ है। वैसे और दूसरी जो मॉनिटर वगैरह आते हैं उसमें आपको VGA पोर्ट अब खत्म कर दिया गया है, बट इसमें आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि इसमें आपको VGA पोर्ट भी दिया गया है और उसके बगल में आपको पावर के लिए पावर केबल के वो दिया हुआ है, प्लग दिया हुआ है। और अगर बात करें लेफ्ट साइड की, जो लेफ्ट साइड में आपको बटन दिया हुआ है जिसके थ्रू आप इसको ऑपरेट वगैरह कर सकते हैं पीछे, वो एक जॉयस्टिक की तरीके काम करता है। तो अगर आप लेफ्ट साइड या राइट साइड करेंगे तो प्रॉपर वो वर्क करता है। तो चलिए फिर इसको हम लोग जल्दी से अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस जो हमारा मॉनिटर है वो लैपटॉप के साथ पेयर हो चुका है। और ये देखिए जो अगर आप बेजल्स वगैरह की बात करें कितने ज़्यादा आपको नॉर्मल बेजल्स इसके अंदर मिल जाते हैं। और अगर कलर शाइन वगैरह की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे कलर्स वगैरह ये मॉनिटर दिखा देता है। अगर आप देख रहे हो अपने लैपटॉप और मॉनिटर की स्क्रीन को तो लैपटॉप में जो कलर्स वगैरह काफ़ी आपको डिम मिलते हैं, मगर इसमें आपको काफ़ी शार्प कलर इसके अंदर मिल जाते हैं। चलिए एक चीज़ और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक वीडियो को भी प्ले करते हैं और उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब कैसे सब कुछ है। तो ये देखिए कि जो ग्रीन्स वगैरह है वो कितने ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ करके रखे हैं और जो ब्लैक्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ है। बेसिकली इसमें क्या है कि दो ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन इतना अच्छे तरीके से इन लोगों ने मैनेज किया है कि जो ब्लैक है वो डार्क ब्लैक दिखता है और जो वाइट है वो डार्क वाइट मतलब
ब्राइट इतना ज्यादा दिखता है। तो कलर्स वगैरह मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। वैसे ये 4K मॉनिटर नहीं है, 1080p डिस्प्ले है, तो उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छा रियलमी में इसने काम किया है। और ये जो डिस्प्ले है आपको वो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, तो अगर आप अगेंस्ट इसके लाइट के अगेंस्ट इसको रखते हैं तो रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं मिल जाता है और काफी ब्राइट ये डिस्प्ले है। और इसकी ब्राइटनेस वगैरह भी आप पीछे से इसमें जॉयस्टिक बटन मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो जैसा कि आप डिस्प्ले में देख रहे हैं कि जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी इसके अंदर निकल के आती है। पहले अब बात करते हैं कि आपको ये मॉनिटर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, जो आपका बजट अगर 10,000 के अप्रॉक्स है तो आपको रियलमी की तरफ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है आपको काफी इंप्रेसिव इसके अंदर मिलने वाली है। 1080p डिस्प्ले इसके अंदर मिलती है, तो जो कलर शाइन वगैरह है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। जो व्हाइट है और जो ब्लैक्स हैं वो प्रॉपर आपको दिखते हैं। तो अगर आप कोई मॉनिटर प्लान करने के लिए सोच रहे हैं तो आप इसकी तरफ जरूर जाएगा, क्योंकि आपको ये जो प्राइस रेंज के अंदर आप ये प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर कंपटीशन के साथ हम मतलब कंपेयर करें तो MSI और सैमसंग हो गया और एसुस वगैरह हो गया, तो उसके साथ ये काफ़ी कंपटीट कर देता है। और जो बेजल्स वगैरह है आपको काफ़ी कम मिल जाते हैं, तो आप नॉर्मल एडिटिंग वगैरह भी इसके अंदर कर सकते हैं और आप गेमिंग वगैरह भी आराम से कर सकते हैं। तो आप बताइए कि आपको ये मॉनिटर कैसा लगा और आप इस मॉनिटर को लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे। वैसे अगर आपका बजट 10,000 है तो आप इसकी तरफ जरूर देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।